वेलकम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं विटामिंस के बारे में। विटामिंस की, क्योंकि मेरी कोई पहले वीडियो नहीं बनी हुई और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमें विटामिंस की गाइडलाइन दें ताकि हमें पता हो कि विटामिंस में से क्या करना है और इसमें से इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन कौन सा और एसिक्यूज है, एमसीक्यूज की मार्किंग कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसकी विटामिंस की। तो सबसे पहले आपने विटामिंस में से आपने इसकी टेबल को करना है ताकि आपको पता हो वाटर सॉल्युबल कौन से हैं और फैट सॉल्युबल कौन से हैं। फिर वाटर सॉल्युबल को फर्दर डिवाइड किया गया नॉन बी कम्प्लेक्स में, बी कम्प्लेक्स में, और नॉन बी कम्प्लेक्स में देख लेना है और बी कम्प्लेक्स में देख लेना है। इसके बाद फैट सॉल्युबल ये आपने सारा देख लेना है और कौन कौन से हैं। इसके बाद बी कम्प्लेक्स में आपने देखने के कौन कौन से हैं, एनर्जी रिलीजिंग है, हिमेटोपोएटिक है एंड अदर। तो आपने इसको सारी की सारी टेबल अच्छे से कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप में से जो भी चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट करना है विटामिन बी नाइन से। विटामिन बी नाइन में अगर हम देखें तो विटामिन बी नाइन में से हमने क्या क्या करना होता है और कितना करना होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज़ पहले कह दूँ कि विटामिंस के पोर्शन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसमें से फिर भी मार्किंग करा देता हूँ कि एमसीक्यू कौन सा बनता है और किस तरह से बनता है। ये आपने टेबल से लाजमी कर लेना है यहाँ से, इसमें से आपको पता हो कि इसमें माइक्रोसिटिक है तो एमसीवी कितना है, नॉर्मोसिटिक है तो एमसीवी कितना है, मैक्रोसिटिक है तो एमसीवी कितना है, और ये मेगालोब्लास्टिक भी इसे हम कहते हैं। इसमें से आपने ये सारा का सारा वैसे करना होता है, लेकिन ये आपको पता होगा इसकी ये पाया कहाँ जाता है, इसकी डिटेल सारी देख लेनी है। न्यूट्रिशनल एनीमियाज का आपको पता हो, फोलेट एंड एनीमिया का पता हो इस चैप्टर में से आपको, और इसके बाद इसके नेक्स्ट पोर्शन में इसमें आपने फोलेट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने होते हैं कि क्या होते हैं, और इसकी वैल्यू भी आपने देखनी है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये सारा का सारा आपने टॉपिक करना है। उसके बाद कोबालामीन की बात कर लेते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व की। तो इसमें से आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कहते हैं कि सक्सिनाइल को एक ही सिंथेसिस करें, तो आपने ये सारे के सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, और ये मिथियोनिन का भी आपको मोस्टली कहा जाता है या होमोसिस्टीन की इसमें कन्वर्ट होगा, ये भी आपको पता हो, ये स्टेप सेपरेट पूछे जाते हैं, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है। यहाँ से आप इसकी डिटेल पढ़ें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है जो मैंने अभी आपको दिखाई यहाँ पर। स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया था, ये वाला आपने लाजमी करना है, इसमें फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, यहाँ से रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है ये। इसके बाद फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि परनीशियस एनीमिया कैसे होता है, ये इसकी सारी की सारी डायग्राम बनी हुई है, इंटीनिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, और ये आपको पता होना चाहिए कोबालामीन को हम किस लिए देते हैं, ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है। ये सारा का सारा टॉपिक स्टूडेंट्स आपने रीड करना है। परनीशियस एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, और आपको क्लिनिकल इसका मोस्टली बना के देते हैं। स्टामिक गैस्ट्रेक्टमी का पेशेंट होगा, वो कहेंगे कि एक पेशेंट है उसने गैस्ट्रेक्टमी कराई हुई है, तो उसमें जो भी होगा इशू वो इस तरह का होगा, विटामिन इंटेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसमें विटामिन बी ट्वेल्व का रोल प्ले करेंगे, सब कुछ आपने इसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट, सॉरी इस कदम थोड़े से पेज फटे हुए हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करें तो विटामिन सी की बात आ जाती है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से देख लेते हैं विटामिन सी आपने करना है, यहाँ से विटामिन सी आपने सारा का सारा करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्कर्वी डिजीज़, इसका आपको क्वेश्चन बना के देते हैं मोस्टली कि इसमें टीथ ब्लीडिंग हो रही है और ये सब कुछ लूज टीथ हो रहे हैं, ये सब कुछ इस तरह कोई भी एक क्लिनिकल पॉइंट या दो आपको ऐड करके देंगे क्लिनिकल क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपको क्रॉनिक डिजीज़ प्रिवेंशन आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। तो यहाँ तक ये चैप्टर हमारा, इसका पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। विटामिन सी, इसमें हमने बात की विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी नाइन एंड विटामिन सी की। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।